नंदीश्वर ई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं का गणित लेके चलेंगे, जिसका आज का जो टॉपिक है सारणी, ठीक है ना। इससे पहले मैंने आपको पहले वीडियो में सारणी के बारे में बताया था और आज उससे आगे चलेंगे। 4.1 के बारे में बताया था, आज अपन चलते हैं सारणी के गुणधर्म के बारे में, ठीक है ना। अब जैसे सारणिकों के गुण में पहला गुण क्या है, किसी सारणिक का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर यानी आपस में परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। क्या अगर हम सारणिक का मान क्या होता है कि पंक्ति और स्तंभों को आपस में बदल दें, पंक्तियों को स्तंभ में, स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें, तो उसका मान कैसा रहता है, बदलता नहीं है, ठीक है ना। पहला गुण क्या था, किसी सारणिक का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर बदलने पर नहीं बदलता, अपरिवर्तित रहता है। जैसे एक उदाहरण देख के द्वारा अपन इसको समझ सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं। जैसे ए बराबर दे दिया 1, 2, 3, 4, और इसका अपन ने विस्तार करके देखा 4 ऋण 6, यानी ऋण 2 आया। अब अपन ने क्या किया, पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया, स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया। अब इसका विस्तार करके चेक करते हैं कि मान बदला कि नहीं बदला। देखो जरा, ये और ये दोनों की वैल्यू एक सी आई कि नहीं आई, आ गई ना। तो इसका अर्थ है कि किसी भी सारणिक का मान उसकी पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभों को पंक्ति में बदलने पर नहीं बदलता है, ठीक है ना। अब दूसरा गुण क्या है, यदि एक सारणिक की कोई दो पंक्तियों या स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो सारणिक ऋणात्मक हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है। क्या हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है। जैसे अपन एक उदाहरण देखे चल रहे, 1, 2, 3, 4 जी का उदाहरण लिया, इसका मान निकाल ऋण 2 हो गया। अब अपन ने क्या किया कि दो पंक्तियों को आपस में बदल दिया। जैसे जी है कि इसमें क्या था, 1, 3, 1, 2 और 3, 4 आपस में बदल दिया इनको। आपस में बदलने पर क्या हो जाएगा, ये ऋणात्मक हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, देखो 3, 2, 6 ऋण 4, यानी क्या हो गया, धन का हो गया। यानी कि A1 क्या हो गया, इसका उलट हो गया कि नहीं हो गया, पॉजिटिव हुआ। यानी चिन्ह बदला कि नहीं बदला, ये ऋण 2 ऋण के तो वहाँ जाके काय के हो गए, धन के हो गए ना। तो यही गुण क्या था, यदि एक सारणी की कोई दो पंक्ति या स्तंभ को आपस में बदल दिया जाए तो सारणी का चिन्ह बदल जाता है, ठीक है ना। ये दो गुण आपको समझ में आ गए। अब तीसरा गुण क्या है, यदि किसी सारणी की दो पंक्तियाँ एक सी हैं, समान हैं। तीसरा गुण क्या है, यदि किसी सारणी की दो पंक्तियाँ क्या है, समान यानी सर्वसम है, तो सारणी का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्या, यदि किसी सारणी की दो पंक्ति या दो स्तंभ कैसे हैं, एक से हैं, यानी कि सर्वसम हैं, तब उनका मान क्या होगा, तब सारणी का मान क्या होगा, 0 होगा। तीसरा गुण है अपना गुणधर्म 3। गुणधर्म कौन सा चल रहा है, तीसरा चल रहा है। क्या, यदि किसी सारणिक की दो पंक्ति या दो स्तंभ सर्वसम हैं, क्या हैं, सर्वसम हैं, यानी कि समान हैं, ठीक है ना, समान हैं, तब सारणिक का मान क्या होता है, 0 होता है। तब सारणिक का मान 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। काय का मान, सारणिक का, ठीक है ना। जैसे एक उदाहरण के रूप में लेके चले अपन सारणिक के लिए, जैसे मान के चलो 1, 1, 1, 2, 3, 4। अब मैंने यहाँ 1, 1, 1 ले लिया। अब इसमें देखो पहला और तीसरा स्तंभ सर्वसम है, यानी इसमें क्या कहेंगे अपन, C1 व C3 सर्वसम हैं। कैसे हैं, सर्वसम हैं, ठीक है ना। इसलिए इस सारणिक का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, चेक करके देख सकते हैं आप, विस्तार करके देख लें, जांच कर लो, चलो जांच कर लेते हैं। ये तो अपन ने देख लिया कि गुण के आधार पर सर्वसम है तो 0 हो गया,
अगर अपन इसे विस्तार करके चेक करें कि सही है कि नहीं बात, तो देख लो जरा क्या विस्तार कर लो। एक के सापेक्ष विस्तार किया तो एक का उपसारणिक क्या हो जाएगा, ये वाली पंक्ति स्तंभ और ये वाली पंक्ति गायब करके क्या बचा, वो उपसारणिक हो गया 3 4 1 1, ये हो जाएगा। अब प्लस माइनस प्लस यानी ये माइनस का 2 हो जाएगा, और इसका उपसारणिक क्या हो जाएगा, और इसका उपसारणिक लेके चलना है किसका, 2 के सापेक्ष, तो 2 वाले स्तंभ को गायब कर दो तो क्या बचा 1 1 1 1, क्या हो जाएगा 1 1 1, ठीक है ना, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा 1 1 1, अब इसके बाद अपन को क्या लेके चलना है, एक का उपसारणिक लेके चलना है, तो एक का उपसारणिक लेके चले, क्या लेके चले अपन, एक का उपसारणिक लेके चलो, तो एक वाली पंक्ति और एक वाले स्तंभ को गायब कर दो तो क्या बचेगा 1 1 3 4, हुआ कि नहीं हुआ। अब इसको सॉल्व कर लो, 3 ऋण 4, ऋण 2 1 ऋण 1 धन 1 4 ऋण 3, तो यहाँ क्या बचा आपका ऋण 1 और जो हो गया 0 और जो हो गया तुम्हारा कितना धन का 1, यानी 0 आया कि नहीं आया, यानी आपका गुण बिल्कुल सही है, 16 आने सही है, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं कि यदि कोई सारणिक में दो पंक्ति या दो स्तंभ एक से हैं, समान हैं, तो सारणिक का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। अब अपन आते हैं चौथे गुण की ओर, कितने गुण की ओर आते हैं, चौथा गुण क्या है, चौथा गुण है यदि एक सारणिक के किसी एक पंक्ति, यदि एक सारणिक के किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर से गुणा करें तो उसका मान भी के से गुणा हो जाता है, क्या हो जाता है, उसका मान भी उससे गुणा हो जाता है, ठीक है ना। यही है ना गुण, गुण क्या है, एक बार में पढ़ रहा हूँ ध्यान से सुन लें, यदि एक सारणिक के किसी एक पंक्ति के प्रत्येक अवयव को एक अचर से गुणा करें, कैसे गुणा करें, एक अचर से गुणा करें तो उसका मान भी उसी से, उसी अचर से गुणित हो जाता है, ठीक है, उसी से क्या हो जाता है, गुणित हो जाता है, ठीक है ना, उसी से क्या हो जाता है, गुणित हो जाता है, ठीक है ना। अब जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में अपन ले लें, देखिए चौथा गुण लिया, जैसे अपन एक एग्जाम्पल ले लें, ठीक है ना, चौथा गुण लेके चल रहे, तो जैसे एक एग्जाम्पल लिया अपन ने, लिया 1 2 3, यहाँ ले लिया 4 6 5, अरे हर कौन परेशान कर रहा, देखो चौथा गुण बताए थे, जैसे अपन किसी पंक्ति या स्तंभ में एक संख्या से गुणा कर दें, के से गुणा कर दें, तो उसका पूरा उससे ही गुणा हो जाएगा सारणिक में। अब अपन चेक करते हैं, जैसे अपन ने C1 में गुणा कर दिया, काय का C1 में 2 का गुणा कर दिया, मान के चलो C1 में अपन ने काय का गुणा कर दिया, 2 का गुणा कर दिया, तो क्या हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4, 2 3 6, 4 6 और जो हो गए कितने 5 1 3 4। अब इन दोनों को अगर अपन वैल्यू चेक करें तो क्या हो सकती है, वैल्यू चेक करने पे जैसा इसका विस्तार करके देख लो, पहले तो जैसे अपन इसको Δ1 से डिनोट कर लेना, ठीक है। अब जैसे अपने डेल्टा का मान निकाला, काय का मान निकाला, डेल्टा का विस्तार करके, तो एक के सापेक्ष निकालोगे ना, एक के सापेक्ष निकाला तो क्या हो जाएगा 6 5 3 4, अब 4 के सापेक्ष निकालोगे तो 4 के सापेक्ष क्या हो जाएगा आपका 2 3 3 4, 2 3 3 4, अब एक के सापेक्ष निकाल लोगे, काय के सापेक्ष निकालोगे, एक के, तो क्या होगा 2 3 6 5, 2 3 6 5, आज इसको कर लो सॉल्व, सॉल्व करने पर क्या हो गया 6 का 4 में 24 और 5 का 3 में 15, 4 2 का 4 में 8 9, अब जो जाएंगे क्या 10 ऋण 18, यानी 24 में से 15 गए कितने बचे 9, अब जो जाएंगे कितना बचा ऋण 1, तो यानी धन के 4 हो गए, और ये कितने हो गए ऋण 8, यानी कितना हो गया 9 और 4 13, 13 में से 8 गए कितने बचे 5 बचे, ठीक है ना। अब अपन क्या करें, इसका तो अपन ने चेक कर लिया ना, अब इसको और चेक कर लें,
इसमें क्या आ रहा है? दो के सापेक्ष निकाल लो, तो जो जाए 6, 5, 3, 4, ठीक है ना। अब 4 के सापेक्ष निकालो, काय के सापेक्ष निकालो, 4 के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा 4, 6, 3, 4, 4, 6, 3, 4। अब प्लस 1 के सापेक्ष निकालो, तो जो जाएंगे 4, 6, 6, 5, ठीक है ना, 2, 24, -15, -4, 16, -18, -1, 20, -36। देखें क्या हो रहा है इसका। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 2, 24 में से 15 गए कितने बचे, 9, 4, अब जो हो गए कितने, -2, और जो हो जाएगा आपका कितना, 16, यानी कि होगा 18, -8 हो जाएंगे धन के, और -16, यानी कितना हो गया जी, 18 और 8, 26, 26 में से 16 गए, 10 बचे ना। अब तो स्पष्ट समझ में आ गया इस पूरे सारणिक का दोगुना हुआ कि नहीं हुआ जी, तो गुण फॉलो हुआ कि नहीं हुआ। क्या अगर किसी सारणिक में किसी चर से किसी स्तंभ या पंक्ति में गुणा करने पर है ना, जो सारणिक का मान होता है उसका गुणा हो जाता है, उसी मान के जो गुणा कर रहे थे उसी के गुणा हो जाता है, हो जाता है, नहीं हो जाता, ठीक है। आपके अगला जो गुण अगले टाइम बताएंगे, ठीक है ना, आज के इतने ही गुणों का अध्ययन करेंगे, समझेंगे आप लोग।